शैक्षणिक ऐसे जो स्थल है, शैक्षणिक में चाहे वो पहले लिखा हुआ था आपका रिंती में गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज, लेकिन अब कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, शराब की 100 मीटर तक आसपास कोई दुकान नहीं होगी। पहले 50 मीटर ये सीमा हुआ करती थी किसी धार्मिक स्थल के पास, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर ऐसी दुकान है कि जिसके कारण दिक्कत है, तो उस पर भी हम फैसला करेंगे कि वो दिक्कत समाप्त हो। शराब पी के गाड़ी चलाने की लत, अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं, कई बार तो दुर्घटना भी कुचल के निकल गए, और इसलिए एक फैसला हमने और किया कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो ये हतोत्साहित करना जरूरी है इस प्रवृत्ति को, और सुरक्षित लोगों को रखना भी जरूरी है। नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उस पर भी हम सजा बढ़ाएंगे। उसको मैंने विधि विभाग को दिया कि सजा इसको और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती। हमारा नशा मुक्ति अभियान भी हम और प्रखरता के साथ चलाएंगे। जनता को जागरूक करना ही, नशे के नुकसान बताना, अवेयर करना, वो तरीका है जिससे हम उनसे नशा छुड़वा सकते हैं। मैं अभी भी अपनी सभाओं में नशा मुक्ति के संकल्प दिलवाता हूँ, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखेंगे, प्रदेश सुरक्षित रहे,